गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की तान्या। तो सुबह के बज रहे अभी 7 और आप सोच रहे इतना सवेरे। तो आज मैं 4:30 बजे ही जगने वाली थी, बट निका के कारण जग नहीं पाई, तो इसलिए मैं ब्लॉग पूरा अभी शूट कर रही हूँ सुबह में। और 7 बज गया, मैं भी बेड वेड पूरा झा रही है, बेड से चेंज कर दी क्योंकि कल मीका जो है ना सुसु कर दिया था बेड पे ही। उसके बाद सोची कि चलो सुबह ही चेंज करेंगे और रात में क्या चेंज करें। लेकिन साइड अभी कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि क्या ब्लॉग में डाले नहीं डाले, बस अपडेट जो होता है एक दे रहे हैं कि आज ये हो रहा है आज वो हो रहा है बस। कल तो मिस्त्री भी लोग भी नहीं आए थे, तो एक आए थे और टाइल्स वाला भी एक ही आया था। अभी बस अब खाना बचा है क्योंकि खाना तो बन गया और बचका वगैरह बचा हुआ है जो कि मैंने इसको बना के दे दिए। और उसके बाद अभी अब जो खाएगा वो तो ठंडा अच्छा लगेगा नहीं, तो जो खाएंगे उनके लिए बनेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को प्यार दीजिए। प्यार देने वाला भी ऐसा कुछ ब्लॉग तो है नहीं, बट क्या कीजिएगा ब्लॉग को प्यार दीजिए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। सो जा मीका मेरा सो जा, ओ, 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 ओ नहीं सोना है। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? दोपहर के बज रहे भी 2:30 और अभी हम प्याज काट के बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा आँख ऐसे ऐसे हो रहा है। अभी हम बना रहे हैं पास्ता, जो कि मम्मी भी खाना खा रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब देखते हैं मनीष कब तक आता है, उसके लिए भी थोड़ा सा रख देंगे। आएगा तो फिर गर्म करके दे देंगे। बहुत दिन से बोला था बोलते हैं कि पास्ता बना पास्ता बना, लेकिन यहाँ बनाने का मन नहीं होता। तो मैंने प्याज यहाँ कट कर लिया और इसमें कढ़ाई में था ऑयल, तो इसलिए मैंने इस स्टोव टोपिया में उसको डाल दी। थोड़ा सा ऑयल दिख रहा है क्योंकि ये चिपकता है ना इसलिए। अरे अब मैं गैस पे चढ़ाती हूँ, अब जल्दी हो जाएगा। ये देखो उबलना शुरू हो गया है, तो ना इधर मैं फ्राई करती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब भूख गया है, इसमें डाल दिए पहले ऑयल, फिर थोड़ा सा जीरा डाले थे, उसके हरा मिर्च, प्याज हल्का फ्राई हो गया, तो टमाटर, और उसके बाद पास्ता मसाला और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दिया क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। और उसके बाद क्या डालें, सॉस, टमाटो सॉस, उसको फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद पास्ता को तब तक गर्म करने के लिए, मतलब गर्म था वो, उसमें ठंडा पानी डाल के उसको चलनी में डाल दिया है कि वो सूखेगा तब। बारिश में सारा कपड़ा भीग गया पूरा छत भी कितना गंदा लग रहा देखने में, और आसमान तो बिल्कुल वाइट दिख रहा है। वो मंदिर टा। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? रात के बज रहे हैं अभी 8:30 और आज सवेरे हम लोग मतलब आ गए ऊपर। अभी कुछ ऐसा बना नहीं, शाम में तो 3 बजे के लगभग पास्ता वगैरह खाए थे तो पेट भर गया था, और फिर शाम में लौंग लताया था तो वो भी खा लिए, तो पेट भरा भरा सबका लग रहा है। तो बस थोड़ा सा ही बनना था, और दिन में चावल बन गया तो अभी रोटी बनता,
तो सब लोग बोले कि आलू का भुजिया और पराठा या कचौर जो भी हो या सादा रोटी जो भी हो वो बनाना। तो मैं भुजिया बना के भी ऊपर आ गई हूँ। मीका का खाना भी नहीं बनाया है, दलिया बनाना है उसका, और मीका तब तक सो गया, सोया मेरे गोदी में आके वो, क्योंकि मम्मी उसको मालिश कर दी लेकिन ये सो नहीं रहा था। फिर इसको गोदी में लिए, थोड़ा सा घुमाए, बस ये तुरंत सो गया। 2 मिनट के अंदर ये बच्चा सो गया क्योंकि ये नींद भी पूरा था। और उसके बाद फिर जाके इसको बोले थोड़ा सुला देते हैं, फिर जब सब खाना खाएंगे। तो बाबा तो खा लिए हैं और पापा अभी नहीं खाए हैं। तो पापा भी तो खाए नहीं हैं, और हम पापा मम्मी और मनीष चारों बचे हुए हैं, और छोटा सा मेरा बच्चा जो है मीका वो भी जगा है, मतलब भूखा है तो जगेगा तो इसको खिलाएंगे। तो अभी चलते हैं, चलेंगे क्या अभी, बस ऐसे वीडियो को एडिट करेंगे। कुछ खास वीडियो में है नहीं, बस थोड़ा सा सुबह का शूट किए थे और बस ऐसे ही होगा, 5-6 मिनट का जो भी होगा उसको एडिट करके अपलोड करना है। तो सवेरे कर देते हैं क्योंकि बहुत आँख मेरा जल रहा है, आँख भी देखने से आपको लग रहा होगा ना कि रेड रेड आँख अंदर का, तो बहुत जल रहा है मेरा आँख, पता नहीं डस्ट के कारण या क्या, बहुत अजीब सा फील हो रहा, थका थका भी लग रहा है। तो रेस्ट करेंगे अभी, तो पहले मीका जगेगा तो इसको खाना भी खिलाना, रेस्ट कहाँ। ये रात में मेन दिक्कत है ना, एक तो डस्ट जो भी हो रात में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। मतलब रात में पहले क्या था, सोया रहता था, थोड़ा सा गोद में लेते थे फिर सो जाता था, फिर नीचे था। अब क्या होता, गोद में इसको लेते हैं, मीका फोन आ रहा, गोद में इसको लेते हैं और उसके बाद ये क्या करता है, चाहता है कि गोद में ही इसको पूरा रात में रखो, जहाँ नीचे देते टें टें शुरू हो जाता है इसका। तो दिक्कत तो हो ही गया, और किसी के मैंने गोद में जाता भी नहीं है ना, किसी के गोद में रात में नहीं जाएगा। 3 में तो मतलब इसको घुमाते रहे तो इसकी मम्मा कहाँ है क्या करे, कोई मतलब इसको नहीं, कोई मतलब नहीं। और अंकल के गोदी में जाते हुए सबको ये भूल जाता है इसके सामने कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो बाइक पे घुमाते हैं, पता नहीं क्या क्या है उनके अंदर, मतलब किसी के पास ये नहीं जाता, चाहे कुछ भी कर लो किसी के पास नहीं जाएगा, इतना इसको छोटे दादू से प्यार है। तो इतना मासूम लग रहा है ये भी, जितना सोते हुए मासूम लगता है उतना ये जग के इतना परेशान कर देता है। धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, परेशानी बढ़ते जा रही है। तो देखते हैं, अभी चलते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। कल क्या होगा नहीं होगा, आज किचन कंप्लीट होते होते रह गया, नहीं तो आज पूरा किचन मैं आपको दिखाती। ये पैक में जो दिख रहा है ना इस डिजाइन का, इसी डिजाइन का टाइल्स भी है। अभी मैं जस्ट देखे रे, ये तो किचन का पैक तो लगा, अरे किचन का जैसा पैक में मतलब दीवार में लगा है ना टाइल्स, बिल्कुल वैसा ही ये है, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। कप प्लेट उतना नहीं है तो बोले प्लेन प्लेन ही दिखाओ, वाइट नीचे फर्श भी है और दीवार भी वाइट है, और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।